टेलीविजन एक्ट्रेस निया शर्मा अक्सर अपने शानदार अभिनय और ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में बनी रहती है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ निया अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते हुए निया शर्मा एशिया की सबसे सेक्सी महिला के रूप में दूसरे स्थान पर रही। हाल ही में निया शर्मा से जब उनकी शादी की योजनाओं के बारे में बात की गई तो उन्होंने खुलकर इस पर जवाब दिए। निया शर्मा जल्द ही अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है और उससे ठीक पहले निया से जब उनकी शादी की योजनाओं के बारे में बात की गई तो उन्होंने भी बड़े ही खुले दिल से इनके जवाब दिए। निया का रिलेशनशिप स्टेटस अक्सर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर निया किसे डेट कर रही है। खबरें आई थी कि निया शर्मा अपने को-स्टार राहुल सुधीर को डेट कर रही है, हालांकि दोनों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। हाल ही में जब निया शर्मा से पूछा गया कि वो जल्दी 32 की होने वाली है तो ऐसे में क्या उनका परिवार उन पर कभी शादी का दबाव डालता है, इसके जवाब में निया कहती है, मैं दबाव महसूस नहीं करती, मेरे माँ मुझसे कभी कुछ नहीं बोलती, आपको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके माता पिता आपको मजबूर कर रहे हैं, माता पिता को भी आपको मजबूर नहीं करना चाहिए, आप किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में शादी करते हुए और बाद में तलाक लेते हुए नहीं देखना चाहते क्योंकि आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया था। निया शर्मा किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहती है इस पर बात करते हुए वो कहती है, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ये न कहे, निया मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ या मैं देखभाल करने के लिए पर्याप्त सक्षम हूँ, अगर ये उम्र के साथ करना है या कोई मेरी माँ से कहे कि आपकी बेटी शादी करे तो मुझे नहीं करना है। सौभाग्य से मेरी माँ और मेरे भाई मुझ पर दबाव नहीं डालती, हम तीन लोग बहुत अच्छे हैं और हम अपना जीवन जीते हैं, जब तक मैं अपने जीवन का आनंद लेती हूँ तब तक कोई दबाव नहीं है। निया ने अपनी शादी की प्लानिंग पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा, हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन जल्दबाजी में नहीं, मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, कम लोगों के बीच एक शांत शादी करना चाहती हूँ, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, कोर्ट मैरिज या फिर मंदिर में शादी हो, मैं बहुत ही कूल तरीके से शादी करना चाहूंगी। तो दोस्तों, निया शर्मा के इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।